कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकारी स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा में खस्ता हाल हुए स्कूल की इमारत को ठीक करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ही स्कूल के ग्राउंड, स्कूल का रास्ता, पीने के पानी समेत अन्य सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारा टारगेट है कि इस साल में हम जितनी भी बिल्डिंगें कहीं कमी है या खराब है उन सारों को ठीक करने का। 220 करोड़ रुपए खर्च करके हम बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके हम स्कूलों में जो कमियां हैं इनकी हमने 6 पॉइंट ऐसे चुने हैं कि अगर स्कूल का रास्ता खराब है, चारदीवारी खराब है उसकी, या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या शौचालय खराब है, या फिर ग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है, और या ड्यूल टैक्स नहीं है, या कोई छत चीती है, तो ऐसे कुछ काम चुन रखे हमने तो जिसके बारे में निर्णय लिया कि हम SMC को सीधा पैसा देंगे और हम 25 लाख तक जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से 25 लाख तक जो है वो हम SMC को सीधा पैसा दे रहे और SMC उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 27 ब्लॉक हरियाणा के इन दोनों कामों में हमने पूरे कर लिए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री गुरुग्राम के इस्लामपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक में 2 नए ब्लॉक और अर्जुन नगर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान जब कंवर पाल गुर्जर से हरियाणा में शिक्षकों की कमी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अगले कुछ दिनों में 20,000 नए शिक्षक भर्ती कर रही है। 20,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं। अभी हम TGT में 7,400 कुछ टीचर हम भर्ती कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद 1 महीने तक वो भर्ती हो जाएगी। PGT में हम 4,400 कुछ कर रहे हैं भर्ती। HKRN से हम 9,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 20,000 टीचर आने के बाद लगभग कमी समाप्त होगी। बहरहाल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने शिक्षकों की कमी से लेकर स्कूल की खस्ताहाल हालत जैसी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हालात आखिर कब तक सुधर पाते हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।